हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या 2024 में कब पड़ रही है और सोमवती अमावस्या पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और नियम विधि क्या है, फेरी परिक्रमा कैसे करना है और सारी विधियाँ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, सोमवती अमावस्या कहा जाता है कि अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने भी सोमाधुबन की कथा सुनी होगी कि सोमवती अमावस्या में सोमाधुबन ने क्या किया था और कैसे वो अखंड सौभाग्यवती बनी। तो देखिए, हमें क्या करना है कि सोमवती अमावस्या वैसे बहुत विशेष होती है, पितरों के निमित्त अमावस्या कही जाती है। अमावस्या के दिन सुबह सवेरे उठ करके नहा लेना चाहिए, नहा करके पीपल पूजा करना चाहिए और वो भी जब अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है तो वो और भी विशेष हो जाती है। साथ साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन किस विधि से पूजन करना चाहिए, तो वैसे तो देखिए अमावस्या पर पितरों की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, लेकिन जब ये अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो सुहागिनों के लिए एक और बहुत बड़ा दिन बन जाता है। पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। नया नया परिक्रमा अगर करना शुरू किए हैं तो आप धान और पान ले लें, पान के पत्ते और धान थोड़ा थोड़ा कागज के अलग अलग कागज में करके 108 कर लीजिए, 108 परिक्रमा दी जाती है। परिक्रमा जैसे मैं पीपल पूजा में बताई हूँ आपको, शनिवार को जो पीपल पूजा करते हैं उसमें मैं परिक्रमा विधि बताई हूँ, आप देख लीजिए कैसे किया जाता है। एक बार में एक परिक्रमा करके और एक सामान जहाँ से परिक्रमा लीजिए, आप यहाँ से परिक्रमा शुरू किए हैं तो ऐसे करके यहाँ आके फिर वो चीज ऐसे आप घूम गए, फिर यहाँ आके एक बार, तो जिस चीज़ से आप परिक्रमा करना चाहें, जैसे कि सुहाग के पत्ते से, सॉरी बिंदी के पत्ते से होता है, मूंगफली से होता है, ड्राई फ्रूट से होता है, तो जिस तरीके से करना चाहें आपको मतलब उस तरीके से करना होता है। और क्या करना है सोमवती अमावस्या में, देखिए सुबह सवेरे जल्दी जग जाना है। जल्दी जग जाने के बाद आपको आराम से नहा लेना है क्योंकि अमावस्या में स्नान का बहुत महत्व होता है। स्नान सबसे जल्दी किया जाता है अमावस्या में, उठ करके स्नान करें, स्नान के बाद कुछ दान निकालें, दान निकालने के बाद पीपल पूजा करें। पीपल पूजा के लिए बस वही साधारण सी विधि है कि आप पीपल के पास एक लोटा जल चढ़ाएंगे। आज के दिन रुई नहीं छुआ जाता है तो जो सूती धागे, जो कपड़े के बाती आती है उनसे धागा बना हुआ, सॉरी बाती बनी हुई मिलती है, तो आप उन बाती से दीपक जलाएंगे आज इस बात की, या कलावे की बाती से दीपक जलाएंगे, रुई का प्रयोग आज नहीं किया जाता है। आज जो है तिल के तेल घी से पीपल के पास एक दीपक जलाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे और आप 108 परिक्रमा करेंगे। 108 नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम 7 परिक्रमा करें, 11, 21, 51 इतनी परिक्रमा भी कर सकते हैं। हर परिक्रमा में सूत लपेटा जाता है, हर परिक्रमा में जो पीला सूत होता है वो लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंतज़ाम करके रख लेना है और सोमवती अमावस्या की पूजा करना है। अब जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या हमारी कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर। तो 2 तारीख को सुबह 5:21 पर शुरू हो रही है, तो इस दिन भी अमावस्या मानी जा रही है। अगले दिन समाप्त हो रही है अमावस्या 3 तारीख को, 3 तारीख को सुबह में जो है 7:34 पे। तो इस तरह से दोनों दिन अमावस्या होगी, तो सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों दिन की अमावस्या मानी जाएगी। तो इस विशेष बात का हमें ध्यान रखना है। साथ साथ अमावस्या में पीपल में फेरी परिक्रमा लगाते समय आपको प्रार्थना करना है कि आपके पितरों की सदगति हो। और दूसरी चीज़ करना है, अमावस्या में कुछ न कुछ दान अनिवार्य रूप से निकालना है। कुछ न कुछ दान का मतलब कि जैसे अनाज का दान जरूर किया जाता है, आज सोमवती अमावस्या है, चावल का दान कर सकते हैं, आज खीर बना करके लोगों में बांट सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पितरों की जो है मुक्ति होती है, भोलेनाथ की कृपा मिलती है, चंद्रमा मजबूत होते हैं, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। अब अमावस्या में कुछ विशेष नियम होते हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सोमवती अमावस्या में कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए सोमवती अमावस्या में व्रत करना आवश्यक नहीं है, बस सुबह सवेरे जल्दी जग जाएं। जगने के बाद आप अपना नहा लें, दान निकाल लें, घर की जो थोड़ी पूजा होती है तुलसी जी की पूजा कर लें, सूर्य देव की पूजा करके मंदिर में भोग प्रसाद लगा लें। उसके बाद सामान जो मैंने बताया वो ले करके आप किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पे पूजा करें, परिक्रमा करें, उसके बाद घर आकर के आप अपना खा पी सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिना पीपल की पूजा किए पानी नहीं पिया जाता है, तो ये सही बात है, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता स्थिति देख लें। अगर ऐसा हो कि आप
परिक्रमा ही न कर पाए बिना पानी का, तो आप पानी पी करके जा करके तब अपनी परिक्रमा पूरी करिए। पीरियड्स वगैरह में है तो आपको ये परिक्रमा वाला काम नहीं करना है, आप स्नान और दान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जानना है सोमवती अमावस्या बहुत ज़्यादा विशेष होती है। सौभाग्य से ये अमावस्या हमको 2 सितंबर को मिल रही है, तो इसका जो पुण्य फल है इसका लाभ जो है आप अवश्य लीजिए। अब बात करते हैं अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य होते हैं जो नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी स्थिति में आपको कोई दरवाजे पर आया हुआ भिक्षुक है तो उसे नहीं टालना है, उसको कुछ ना कुछ अनिवार्य रूप से दे देना है। अब कोई औकात से अधिक बढ़ के मांग रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो उसकी बात ही अलग है, नहीं तो कोई सामान्य याचक है तो उसे अनिवार्य रूप से आप कुछ देकर ही भेजें। आज हमारे चौखट पे दहलीज पे कोई आता है तो उसे पानी अवश्य पूछें, वो पीता है तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि कहा जाता है आज अमावस्या के दिन किसी न किसी रूप में हमारे पितर हमारे दरवाजे आते हैं। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना है, तो रविवार है, रविवार के दिन आप अपना अच्छे से बाल धो लीजिएगा और धो करके सोमवती अमावस्या का फेरी करिएगा। और सोमवती अमावस्या में व्रत करना आवश्यक नहीं है, आप जब पूजा अपना खत्म कर लें तो उसके बाद आप अपना पानी पी सकते हैं। जो लोग पीपल के पास जाने में असमर्थ हैं वो लोग ऐसा न करें कि फेरी परिक्रमा न लगाएं, वो तुलसी, घर में जो तुलसी होती है उनके पास फेरी परिक्रमा लगा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ऐसा नहीं करना है कि वो किसी भी हालत में पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, वो पूजा तो कर सकती हैं लेकिन परिक्रमा करना उनके लिए उचित नहीं है, इसलिए वो रहने दें। जब भगवान सकुशल उनकी संतान उनके सामने होगी तो बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, ये सारे काम कर लीजिएगा। अब बताती हूँ आपको कुछ विशेष चीज। आज अमावस्या है तो अमावस्या पर अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए आप सुबह सवेरे अपने घर की दहलीज को साफ कर लीजिएगा। दहलीज को साफ करके आप अपना कायदे से दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए, दीपक जलाइए, सामने जो है लक्ष्मी माँ के लिए कोई गुलाब की, मोगरे की कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती अपने दरवाजे पर जला करके रखिए। घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करें, ऐसा करने से आप देखेंगे कि घर से निगेटिविटी दूर हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई जानकारी मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।